जाने भारत की ऐसी चार शापित नदियों के बारे में जिसके कहर से लोग डरते हैं। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल किसी शुभ काम में नहीं होता। भारत में नदियों को पवित्र दर्जा दिया गया और है। गंगा यमुना समेत कई नदियां हैं जिनकी पूजा तक की जाती है। गंगा को पवित्र नदी का दर्जा मिला है और किसी भी बड़े धार्मिक कार्य में गंगा जल की जरूरत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नदियों को पवित्र दर्जा देने वाले देश में कुछ नदियों को शापित नदी के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले आग्रह है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो आप तक पहले पहुँचे। भारत में चार ऐसे नदी हैं जिसे शापित नदी के तौर पर जाना जाता है। इन शापित नदियों के बारे में कई कदवंतियाँ और लोक कथाएं प्रचलित हैं जिसे लोग आज तक सच मानते हैं। सबसे पहले नाम आता है कर्मनाशा नदी का, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में बहती है। इस नदी का पानी सिंचाई समेत किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। चंबल को भी शापित नदी माना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जानवरों के खून से बनी नदी है और आज तक लोग इससे डरते हैं। बिहार के गया जिला में बहने वाली फल्गु नदी के बारे में लोगों की राय है कि इस नदी को सीता माता ने श्राप दिया था और इसे भी शापित नदी मानते हैं। बिहार में बहने वाली कोसी नदी अपने प्रलयकारी बाढ़ और बार बार रास्ता बदलने की वजह से शापित नदी के तौर पर मानी जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।